पूर्णिया के अर्सलाइन स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में भूत मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह इस मामले में किसी भी कीमत पर स्कूल में पूजा पाठ नहीं कराएंगी, क्योंकि उनकी आस्था केवल अपने ही धर्म के प्रति है और बुरी आत्मा के स्कूल में होने या किसी कब्र होने की बातों को उन्होंने पूरी तरह से अफवाह बताते हुए पेरेंट्स की मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि स्कूल के खिलाफ साजिश रची गई है ताकि संस्थान को बदनाम किया जा सके। बच्ची के बारे में बोलते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि बच्ची पहले से बीमार है और उसका स्कूल में अटेंडेंस भी बहुत कम रहा है जिसे देखा जा सकता है, इसीलिए बच्ची को विशेष उपचार की जरूरत है और उस बच्ची के प्रति उनकी सहानुभूति है। गौरतलब है कि एक बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद अर्सलाइन स्कूल के बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है और अधिकांश अभिभावकों ने हिंदू रीति रिवाज या सर्वधर्म के मुताबिक पूजा अर्चना की विशेष मांग की थी ताकि उनों की संतुष्टि हो सके, किंतु प्रिंसिपल ने तमाम अभिभावकों की मांगों को खारिज करते हुए कहा है कि वे किसी भी कीमत पर स्कूल में पूजा पाठ या प्रार्थना नहीं कराएंगी, जो यह साबित करता है कि स्कूल प्रशासन की नजर में पेरेंट्स की मांगों का कितना अहमियत है। विद्यालय परिसर में भूत प्रेत के होने का दावा करने वाली छात्रा लंबे अरसे से बीमार चल रही है। विद्यालय में उसकी उपस्थिति अनियमित है। यह इस बात से स्पष्ट है कि उप छात्रा विद्यालय सत्र 2022-23 के अप्रैल महीने में 12 दिन, मई महीने में 14 दिन, जुलाई में 5 दिन, अगस्त में 8 दिन तथा सितंबर में इस कथित घटना घटित होने तक कोई दिन भी उपस्थित नहीं है। हम इस छात्र के स्वास्थ्य के प्रति अवश्य चिंतित हैं, लेकिन इसके अस्वस्थ रहने के लिए विद्यालय की गतिविधियों पर आरोप लगाने तथा विद्यालय के बारे में तरह तरह की अफवाह फैलाने का हम कड़े शब्द में खंडन करते हैं। विद्यालय में कार्यरत किसी सिस्टर या टीचर या कर्मचारी की कभी यहाँ मृत्यु नहीं हुई है, ना ही विद्यालय परिसर में कभी किसी छात्र छात्रा शिक्षक शिक्षिका धर्म बहने या कर्मचारी को दफनाया गया, ना ही विद्यालय परिसर में कोई कब्रगाह है। आज तक किसी भी माता पिता अभिभावक या छात्र छात्रा ने विद्यालय परिसर में किसी भूत प्रेत या दुष्टात्मा के होने का ना दावा ना ही शिकायत की है। विद्यालय परिसर में कोई शमशान घाट या कब्रगाह नहीं है, ना ही कभी था। आपको ज्ञान है कि यह विद्यालय अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय द्वारा संचालित है और हमारा विश्वास और श्रद्धा निज तत्वों तथा मूल्यों पर आधारित है। इनके साथ हम समझौता कदापि नहीं कर सकते हैं। हम हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 30 का एक के तहत हमें प्रदत्त विशेष अधिकार का सदुपयोग करते हुए बिना भेदभाव के सभी जाति रंग पंथ तथा समूह के शैक्षणिक मूल्यों को स्थापित कर एक सम्मानित शांतिप्रिय एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के पूर्णतः समर्पित है। हमारे विद्यालय परिसर में एक क्रूस अवश्य खड़ा किया गया है जो हमारे लिए पाप और मृत्यु पर ईसा मसीह की विजय का प्रतीक है। इस पर हमारी आस्था है और उसकी भक्ति से हमें तथा विद्यालय में कार्यरत तथा अध्ययनरत सभों को सुरक्षा का अनुभव होता है। हमारी दृष्टि सबों के प्रति समान है, अतः एक व्यक्ति विशेष जाति विशेष या धर्म विशेष को संतुष्ट करने या उनका लक्ष्य लेना हमारा धर्म नहीं है। अर्सलाइन कॉन्वेंट विद्यालय विद्या का मंदिर है तथा विभिन्न धर्म से जुड़ी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवं अन्य सभी बच्चों के लिए अपने घर से दूर एक घर है। इस सौहार्दपूर्ण माहौल को हम कदापि बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, अतः हम कुछ अभिभावकों की
इस मांग को कि विद्यालय परिसर का हवन हो या फिर वैदिक अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ द्वारा विद्यालय परिसर का शुद्धिकरण हो, हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं तथा इसे पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। मैं आप मेरे सम्मान्य माता पिता अभिभावकों से अपील करती हूँ कि आप हमारे विद्यालय के निर्वेद संचालन में पूर्ण सहयोग दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारे विद्यालय को लक्षित एवं बदनाम करने की कोशिश करने वाले को ताकत को कमजोर करने में हमें सहायता प्रदान करें। हमारे बीच में से अंधविश्वास से जुड़ी हर बात को उखाड़ फेंके एवं आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य और चरित्र निर्माण में विद्यालय प्रबंधन के साथ हाथ में हाथ मिलाए। मैं आपके सहयोग और सहायता को पूर्ण अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। मैम, अब आप ना दो तीन सवालों का छोटा छोटा जवाब दीजिए, लिख नहीं पढ़ रहा आपको, ब्रेक आप पढ़ लीजिए। बेसिकली आपसे कबीर पंथ के महान संत धर्म स्वरूप साहब जी का श्रद्धांजलि समारोह 11 सितंबर को जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया में भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए आयोजन कमेटी की ओर से वृहद पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों के बारे में बताया गया कि 11 सितंबर को देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु महान संत धर्म स्वरूप साहब को श्रद्धांजलि